राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कई राज्यों की महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ में बैठक की और उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा। इस बैठक में सबसे बेहतर छत्तीसगढ़ महिला आयोग का रिपोर्ट कार्ड देखने को मिला। दरअसल छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष ने पिछले 5 महीनों में रिकॉर्ड 1100 से ज्यादा मामलों की सुनवाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर रणमय नायक से बातचीत की मेरे सहयोगी दिवांशु मल्होत्रा ने। आज राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर में काफी महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें कई राज्यों के महिला आयोग की अध्यक्ष शामिल रही। हमारे साथ छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक जी बातचीत करने के लिए हैं। मैम, आप आज काफी महत्वपूर्ण बैठक थी, कौन कौन इस बैठक में शामिल था और क्या इश्यूज थे और क्या कुछ रहा? देखिए, नेशनल वेमेन कमीशन का कल फाउंडेशन डे था जिसमें सारे राज्यों के महिला आयोग के अध्यक्षों को बुलाया गया था, वहाँ के कोविड वॉरियर्स को बुलाया गया था और आज स्पेशली केवल सभी महिला आयोग के चेयरपर्सन्स की बैठक थी और इस बैठक में सबको अपनी रिपोर्ट्स के साथ में बुलाया गया था कि आपने इस पिछले एक साल के कोविड के दौर पे आप लोगों ने अपने स्टेट में क्या काम किया। तो सभी ने अपने अपनी बातें रखी, किसी ने अपने स्टेट की पॉलिसीज की बात रखी, किसी ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को अवेयरनेस की बात रखी या मास्क सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह बांटने की बातें की, किसी ने हेल्पलाइन वेबिनार की बात की और वहाँ पर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। तो यहाँ पर बात ये थी कि हमने क्या किया, चूँकि मेरी नियुक्ति ही जुलाई 20 में हुई है और इस नियुक्ति के बाद एक महीने का लॉकडाउन पीरियड था और लगभग 6 माह टोटल हुए हैं, तो मुझे काम करने के लिए 5 महीने का ही समय मिला। तो मैंने वहाँ पे अपने सारी एक्टिविटीज़ तो बताया, पर हमने जो फोकस किया था कि महिलाओं के मामलों का निराकरण तीव्र गति से होना चाहिए और कोविड लॉकडाउन में जो रूल्स हैं डिस्टेंस के, सोशल डिस्टेंस के और लोगों के मीटिंग करने में जो रूल्स रेगुलेशन है, हमने उसका पालन करते हुए जन सुनवाई पर फोकस किया और छत्तीसगढ़ ने अभी रिकॉर्ड जन सुनवाई की है। ऐसा अभी तक किसी भी राज्य ने नहीं किया इस पूरे एक साल में। हमने वहां पर महज 5 महीने में हमने 47 जन सुनवाई की 25 जिलों में। छत्तीसगढ़ के 27 जिले हैं, 2 जिले ऐसे थे जहां से हमें कोई मामले नहीं थे, उन जिलों को छोड़कर के हमने 25 जिलों में लगातार जन सुनवाई की है और लगभग 1100 मामलों की जन सुनवाई की है जिसमें हर तरह के मामले हैं, चाहे दहेज प्रताड़ना के हों, चाहे मारपीट के हैं, आर्थिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, कार्यस्थल पर यौन शोषण, बच्चों के हैंडओवर के लिए और फिर आपके संपत्ति के निराकरण के मामले और पत्नी को भरण पोषण के जो मामले होते हैं, डिवोर्स के मामले हैं, ऐसे हर मामले में हमने सुनवाई की। और हमारी सुनवाई में खास बात ये होती है कि हमारी हर सुनवाई में छत्तीसगढ़ में कलेक्टर और एसपी कंपलसरी हमारी बैठकों में आते हैं, कम से कम आधा एक घंटा वो अपने बिजी शेड्यूल से निकालते हैं, कंपल्शन है और स्टार्टिंग में वो रहते हैं और उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपी, सीएसपी, टीआई ये हमारी बैठकों में कंपलसरी रहते हैं, महिला थाने की इंचार्ज होती हैं। तो हमारे मामलों में यदि कोई पति अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है, कोई ससुराल वाले टॉर्चर करते हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट की स्टेज में भी आते हैं या फिर उनको म्यूचुअल डिवोर्स लेना होता है तो उस स्टेज में भी आते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे मामलों में जो निराकरण किया है, अभी एक केस में हम नार्को टेस्ट करा रहे हैं, एक केस में हम डीएनए टेस्ट करा रहे हैं और एक केस में जो मतलब एक मेजर हत्याकांड था 3 साल राना, उसमें हम आयोग के खर्चे पर हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट अलाउ करा रहे हैं। अभी हमने मेंटेनेंस के केसेस, जो कि आमतौर पर महिलाएं थाने में जाती हैं डिस्प्यूट होने पर पति मेंटेनेंस खर्चा कुछ नहीं देते हैं, तो हमारे यहाँ मिनिमम जो मेंटेनेंस अलाउ हुआ पर मंथ वो 5,000 है, फिर 10,000 पर मंथ, 15,000, 20,000, 24,000, 50,000 और मैक्सिमम अभी जो हमने अलाउ करा है वो 1,00,000 पर मंथ। मतलब 1,00,000 रुपये प्रति माह यदि हम भरण पोषण किसी महिला को दिलाते हैं जहां पति उसे 2 साल से कुछ नहीं दे रहा है, तो एक बहुत बड़ी राहत होती है। और हमारे इन पूरे एक्टिविटीज़ को लगातार मीडिया कवर करती है और मीडिया के जो कवरेज होते हैं उससे महिलाओं में एक जागरूकता भी आ रही है और हमारे पास बहुत जेन्युइन केसेस भी आने लगे हैं।
और उनका बहुत क्विक डिस्पोजल हम करते हैं, एक या दो हीरिंग में हम मामलों का निराकरण भी करते हैं और लोगों को समझ आ जाता है कि यदि आप निराकरण में कोई बहानेबाजी करेंगे तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। तो जो पुलिस आरक्षक के खिलाफ भी FIR दर्ज की है SP बिलासपुर ने अभी हाल में, और कई मामलों में पुलिस वालों के खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। हमारे पास हाईएस्ट पुलिस प्रोफेशनल्स के खिलाफ भी मामले आ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के खिलाफ भी मामले आ रहे हैं, हर तरह के मामले हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के खिलाफ भी मामले आ रहे हैं। और हमको हर तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, DGP साहब का और CS साहब का, सभी का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमें ताकत दी है, आज उसकी गूंज यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग में हुई है और खुद अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा जी ने इसका एप्रिसिएशन किया है और सभी महिला आयोगों से कहा है कि जो नए सदस्य बनकर आई हैं अध्यक्ष, उनके जो काम हैं वो बोल रहे हैं और आप लोगों को इनसे काम सीखना चाहिए। पावर मांगने की चीज़ नहीं होती है, भीख नहीं मांगना है पावर के बारे में। आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसा इम्प्रूव करिए कि पावर आप खुद क्रिएट कर सके। और इस चीज़ के लिए जो अप्रिसिएशन किया छत्तीसगढ़ के लिए, वो मेरे लिए गौरव की बात थी और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैम, कल विज्ञान भवन में भी कार्यक्रम था स्थापना दिवस का, वहाँ क्या कुछ रहा? देखिए, वहाँ पर सभी कोविड वॉरियर्स जिन्होंने इस कोविड के दौर में काम किया, तो चार कैटेगरी थी जिसमें हेल्थ वर्कर, पुलिस प्रोफेशनल्स और साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सफाई कर्मी, चार कैटेगरी में हर स्टेट से नाम मांगे गए थे। हमारे छत्तीसगढ़ से भी 3 लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था जिन्हें वहाँ पर अवार्ड केंद्रीय मंत्री के हाथों से दिलाया गया था और उस कार्यक्रम में कल हम लोग शामिल हुए थे। तो वहाँ पर भी रेखा शर्मा जी ने केंद्रीय मंत्री से हमारी तारीफ की, सिफारिश की कि बोले ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे काम पूरे राज्य की महिला आयोग के अध्यक्षों को करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिला के आज काफी महत्वपूर्ण ये बैठक थी राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर में, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पिछले 5 महीनों में 1100 से ज्यादा केसेस की इन्होंने सुनवाई की है, और आज की बैठक में भी जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो भी छत्तीसगढ़ महिला आयोग का एग्जाम्पल दूसरे महिला आयोग को देती हुई नजर आई, तो वाकई में ये बेहद काबिले तारीफ। कैमरामैन अतुल के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली।